बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, लाहौरी छोले, लाहौरी चने, जो कि बहुत ही फेवरेट होते हैं सबके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन चूल्हे पर रख लिया और उसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल जब गर्म हो गया, मैंने इसमें एक प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को थोड़ा सा कुक कर लेंगे। प्याज में मैं इस स्टेज पे हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दूंगी। इससे क्या होगा कि प्याज जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। तो ये एक आपके लिए फास्ट टिप है, काम आएगी आपके। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। इसे भी हम बस थोड़ा सा कलर देंगे और इसके बाद टोमेटो ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद मैंने एक लार्ज टोमेटो लिया था, वो ऐड कर दिया है। 3 ग्रीन चिलीज ऐड कर दिया। आपके पास टोमेटो अगर छोटे हो तो आप 2 ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे। बाकी स्पाइसेस हम आगे चल के ऐड करेंगे, अभी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने कर्ड ऐड कर दिया, मेरे पास फ्रोजन थी। आप सिंपल रूम टेम्परेचर वाली भी ऐड कर सकते हैं, खोया हो सॉल्टेड तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। 3 टेबल स्पून मैंने मैश किए थे चिक पीस छोले, मैश कर लिए थे अच्छे से बॉयल किए हुए, वो ऐड कर दिए हैं। इनसे ग्रेवी बहुत ही अच्छी आएगी, बहुत ही अच्छा सा टेक्स्चर आएगा, तो इसलिए ऐड कर दिए। थोड़ा सा स्टॉक मैं ऐड कर दूंगी, छोले जिस पानी में मैंने बॉयल किए थे वही पानी थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा और यूनिक आएगा। अब मज़ीद स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड कर लिया, 1/2 टी स्पून ज़ीरा ऐड कर लिया, 1/2 टी स्पून काली मिर्च मैं ऐड कर दूंगी और इसके बाद 1/2 टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जो है स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें छोले ऐड कर रही हूँ, चने जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, ओवरनाइट भिगो के मैंने 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम आंच पे बॉयल कर लिए थे। एक ग्लास मैं स्टॉक जो छोलों का था उसी में वही वाला मैंने ऐड कर दिया पानी, जिनमें चने हमने बॉयल किए थे। ढक्कन लगा दिया 5 से 7 मिनट के लिए ताकि घी जो है वो ऊपर आ जाए और पानी खुश्क हो जाए। तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, तो देखिए घी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गया है। चम्मच हिला लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसमें अंडे बॉयल किए हुए थे मैंने, वो रख देंगे। अंडे बहुत ही अच्छे लगते हैं चनों के साथ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।